हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने पर पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो कोचिंग क्लासों पर अपनी नकेल कसे और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने से पाबंदी लगाए। दोस्तों, कोचिंग क्लास के ऊपर सरकार की यह कार्रवाई क्यों की गई है, आने वाले समय में इससे क्या इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट होंगे, साथ ही साथ इस जो नया कानून लाया गया है, जो नया निर्देश दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान बताए गए हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह खबर है क्या। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी 3-4 दिन पहले यह निर्देश जारी किया कि कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को अपने कोचिंग क्लास में एडमिशन नहीं लेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर भारी आर्थिक पेनाल्टी, आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सरकार ने अपने इस आदेश को जारी करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों की आत्महत्या को जो विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के जो मामले बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया, ऐसा सरकार का कहना। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में आग लगी की घटनाएं हुई है, जिसमें बहुत सारे छात्रों की जान माल की हानि हुई है, तो उस घटनाओं को देखते हुए भी इस निर्देश को जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि इस आदेश को जारी करने का मुख्य कारण ये भी है कि कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि भारत में अभिभावकों का दबाव छात्रों पर काफ़ी ज़्यादा होता है। अभिभावक चाहते हैं कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। अभिभावकों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा करें और उनका एडमिशन अच्छे से अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हो जाए। इसके लिए वो छात्रों पर भारी दबाव बनाते हैं। विशेषकर यह दबाव बनाने की प्रक्रिया कक्षा 8 से लेकर 12 तक होती है। अभी फिर पिछले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र काफ़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे थे, खासकर वैसे छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासों में पढ़ते थे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उन लोगों की आत्महत्या करने की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जो फूडिंग और लॉजिंग दोनों की व्यवस्था देते थे, लेकिन उनकी जो फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था थी वो काफ़ी घटिया और ख़राब थी। पैसा तो वे बहुत ले रहे थे, लेकिन छात्रों को रखने की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था उनकी निम्न स्तरीय थी, जिससे कि छात्रों का स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को काफ़ी हानि हो रही थी, जिसका खामियाजा छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी उठाना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने यह जरूरी समझा कि अब कोचिंग क्लासों पर शिकंजा कसा जाए। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोचिंग क्लासों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर इन दिशा निर्देश का छात्रों पर और अभिभावकों पर और कोचिंग संस्थानों पर अलग अलग तरीके से किस प्रकार प्रभाव पड़ने जा रहा है,
क्या यह कोचिंग संस्थानों पर कसी गई नकेल से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, इसको लेकर हम लोग आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले दिशा निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। यह जो निर्देश है यह काफ़ी अच्छा निर्देश है। आप लोगों को पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं 12वीं के छात्र जो 10वीं 12वीं के जो पास लड़के थे या फिर कहें कि जो 10वीं 12वीं पास योग्यता वाले जो शिक्षक हैं वो लोग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के लड़कों को कोचिंग क्लास में पढ़ाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो खुद 10वां और 12वां पास होगा अब वो 10वीं के बच्चों को कैसा पढ़ाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये कोचिंग संस्थान जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग संस्थान थे वो सिर्फ छात्रों का दोहन करते थे, उनका शोषण करते थे। ऐसे में सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाला कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट होगा, स्नातक स्तर का होगा, नहीं तो उसे पढ़ाने का राइट नहीं है। दूसरा जो निर्देश दिया गया है इसमें कहा गया है कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। इसमें यह स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे कोचिंग क्लास जो थे जो गार्जियनों को भ्रामक प्रॉमिस कर देते थे कि आपका बच्चा इतना रैंक लाएगा, हमारे यहाँ पढ़ेगा तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा, इस तरह के जो मिस गाइड करने वाले जो भ्रामक वादे थे अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी गार्जियन को इस तरह का वादा नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं देगा। जो सबसे बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उसमें यह कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता है। मतलब 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी विद्यार्थी अब कोचिंग क्लास नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप 10वीं के भारत में अमूमन 10th क्लास की जो उम्र सीमा होती है वो 15 से 16 साल होती है। मतलब स्पष्ट निर्देश है कि 10वीं कक्षा तक का कोई भी छात्र कोचिंग क्लास में अब नहीं जा सकता है, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका एडमिशन ले सकते हैं और ना ही छात्र को अनुमति दी जाएगी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने की जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम होगी, अर्थात 10th या 11th क्लास का बच्चे अब कोचिंग क्लास नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट इसमें जो निर्देश दिया गया है, विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। मतलब 10th क्लास 10वीं कक्षा के बाद ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो सकता है, 10th क्लास से पहले नहीं होगा, मैट्रिक क्लास से पहले उनका किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। जो लास्ट गाइडलाइन जारी किए गए उसमें कहा गया है कि कोचिंग संस्थान पढ़ाई की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसी कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता या प्रकाशित नहीं करवा सकता या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकता। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत में कोचिंग का व्यवसाय अभी सबसे ज़्यादा फलने फूलने वाला व्यवसाय है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो पास आउट लड़के जो मान लीजिए उनके इंस्टीट्यूट में इनरोल हुए या नहीं हुए किसी भी प्रकार के भ्रामक एडवर्टीजमेंट करते थे कि हमारे यहाँ से 100 लड़के IIT कंप्लीट किए, हमारे यहाँ से 200 लड़के नीट कंप्लीट किए, तो इस तरह के लड़कों इस तरह का जो भ्रामक विज्ञापन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते थे और अभिभावकों को फंसाने का काम करते थे भ्रामक एडवर्टीजमेंट करके, तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार के जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट होंगे उस पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों जो कोचिंग क्लास को लेकर सरकार का जो नया गाइडलाइन है उसको मैंने बताया कि क्या क्या नए नए गाइडलाइन जारी किए गए। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस गाइडलाइन का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति जो नया कोचिंग क्लास को लेकर शिक्षा नीति दिया गया है उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने सारे दिशा निर्देशों का वायलेशन करता है तोड़ता है तो उसको
1,00,000 रुपये तक का जुर्माना राज्य सरकार लगा सकती है। मतलब 1,00,000 तक का जुर्माना लगाने का राइट राज्य सरकारों को दिया गया है। मतलब कोई इंस्टीट्यूट अगर इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तब उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप लोगों को पता है कि भारत में पढ़ाई को लेकर गार्जियन कितने सीरियस रहते हैं, गार्जियन का लगातार दबाव, कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने छात्रों को बेहतर रिजल्ट करने के लिए दबाव, तरह तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट करना, नए नए मॉक टेस्ट लेना, इस तरह का भारी दबाव बनाकर छात्रों को कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी प्रेशराइज करते थे, गार्जियन भी काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे। तो इस स्थिति में जो आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उसी को देखते हुए सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा कोटा जैसे इंस्टीट्यूट, जहां कोटा में हजारों इंस्टीट्यूट भरे हैं, दूसरे सारे वहां पर जो लड़के हॉस्टल में रह कर पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों का खान पान का व्यवस्था, उनका रहने का व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो जाता था, जिसके चलते वो फिजिकली और मेंटली दोनों ओर से डिप्रेशन में चले जा रहे थे। तो उसको लेकर भी यह जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर इस गाइडलाइन को गार्जियन और कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, मानते हैं और राज्य सरकारें इसको अच्छी तरह से लागू करती है, तो जो आत्महत्याएं छात्र कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ज़रूर लगाम लगेगी, उसको ज़रूर कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इससे कि ये तो बात हो गई छात्र हित में, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका निगेटिव पॉइंट क्या होने जा रहा। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्राइवेट स्कूलों में जो फी है, मिनिमम अगर किसी प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो फी है मिनिमम 4,000 से लेकर 10,000 रुपये, जो एवरेज स्कूल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 4,000 से लेकर 10,000 रुपये तक मंथली फी लगता है। इसके अलावा जो कोचिंग क्लास का फी है वो भी आपको लगभग उतना ही पड़ता है, 4,000 से लेकर 10,000, 8,000, 6,000, 3,000, 2,000, इस तरह से 1,500 करके मतलब पड़ता है। मतलब एक तरह से कहें तो एक बच्चे के पढ़ाई के पीछे सामान्यतः औसतः कम से कम, अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का खर्च है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। ये शहर में संभव है, लेकिन अब बिहार और यूपी की अगर हम बात करें, बिहार यूपी बंगाल विशेषकर इन राज्यों में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के भी सभी, लगभग सब भारत के अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है कि सरकारी विद्यालय चौपट हो चुके हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, क्लासेस नहीं होते हैं, ढंग के टीचर नहीं है, ढंग की बहाली नहीं है। अभी कितने सालों के बाद बिहार में 2,50,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है शिक्षा का आप सब कहीं जानते हैं, राजस्थान का वही हाल है, गुजरात जो टॉप का है, आप अगर एडुकेशन में बात करें तो भारत के पीछे से टॉप आने वाले राज्यों में है गुजरात। तो सभी राज्यों में जो सरकारी स्तर पर जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, शिक्षकों की बहाली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, क्लास नहीं है। अब ऐसे स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे थे, अब जब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं है, अच्छे प्राइवेट स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सभी के पास ऐसा नहीं है कि 8,000 10,000 हर गार्जियन एक बच्चे के पीछे मंथली रूप से 5,000 ही अगर हम रखते हैं तो 5,000 रुपये खर्च करें, ऐसी हर भारतीय की आर्थिक स्थिति नहीं है। तो ऐसे में वो अपने छात्रों को किसी सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराकर प्राइवेट कोचिंग क्लासों में एडमिशन कराते थे, कोचिंग क्लास काफ़ी चूँकि सस्ते थे, 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में वो लोग मंथली पढ़ा देते थे। तो ऐसे में जो सरकारी विद्यालयों की जो पढ़ाई, जो ख़राब पढ़ाई थी, उसकी कमी को बहुत हद तक ये कोचिंग क्लास पूरा कर देते थे। अब चूँकि 10वीं तक के छात्रों का एडमिशन कोचिंग क्लास में लेने पर पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती नहीं है,
तब अब आप ही बताइए कि जो छात्र प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट जो शहरों में नहीं आ सकते हैं, अब ऐसे में उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार तो सरकारी विद्यालयों को सुधारने वाली है नहीं। अब ना तो लड़का सरकारी विद्यालय में पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पढ़ाई हुई नहीं होती है, और ना ही वो कोचिंग क्लास में एडमिशन ले सकता है, और प्राइवेट ट्यूशन लेने की उसकी औकात नहीं है। अब इस स्थिति में अब आप ही बताइए कि जो छात्र सरकारी विद्यालयों में एडमिशन करा के कोचिंग क्लास में करके अच्छा रिजल्ट ला रहे थे, वैसे गरीब छात्र अब कहाँ जाएंगे, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र कहाँ जाएंगे जहाँ पर सिर्फ शिक्षा का एकमात्र माध्यम ऐसे कोचिंग क्लास ही थे, जो सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति के कारण ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लड़कों को शिक्षा देने का कार्य कम पैसों में कर रहे थे। क्या सरकार अपने इस कानून के बारे में सोचेगी कि जब सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, क्लास रेगुलर नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के शिक्षक नहीं है सरकारी विद्यालयों में, तब उन छात्रों का क्या होगा? सरकार ने इस पर नहीं सोचा, और पता नहीं क्या सोचकर वो इस कानून को ले आई। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर बनने जा रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और गरीब विद्यार्थियों के लिए जो प्राइवेट स्कूलों की महंगी फी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और सस्ते कोचिंग क्लासों में अपने बच्चों को पढ़ाकर कम से कम एक अच्छा स्टूडेंट बनाकर कहीं ना कहीं पढ़ाई को जारी रखे हुए थे। अब इस स्थिति में जो बच्चे दसवीं तक के हैं, स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी नहीं, कोचिंग क्लास में एडमिशन होगा नहीं, अब उनका भविष्य क्या होगा? अब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हैं जो केंद्र सरकार आनन फानन में लेती रही है, मोदी सरकार, और बाद में उसे बैकफुट पे आना हो, चाहे लैंड बिल की हम लोग बात करें या फिर कृषि कानूनों की बात करें, जीएसटी में भी आपको 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो पता नहीं इस सरकार में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो कौन से ग्रह के निवासी हैं। अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि बार बार यही होता है कि सरकार आनन फानन में निर्णय ले लेती है, अपने तुगलुकी, इसको हम लोग बोलेंगे तुगलकी फरमान, इस तरह के जो कानून आ रहे हैं वो पूरी तरह से तुगलकी फरमान है। अभी कुछ दिन पहले ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल की थी, जो नया बिल आया था, कानून आया था, उसमें उन्हें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। तो इस तरह का जो तुगलकी फरमान, तुगलकी कानून केंद्र सरकार अचानक से बना देती है और बाद में फिर बैकफुट पर आकर उसे वापस लेती है, लेकिन हर जाना तो आम जनता और इस बार इस तुगलकी फरमान का हर्जाना हमारे छात्रों को भुगतना पड़ेगा, विशेषकर गरीब छात्र जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो महंगे ट्यूशन ट्यूचर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूल की व्यवस्था नहीं है वहां तो और दुर्गति होने जा रही है। तो मैंने इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया कि आखिर जो यह कोचिंग क्लासों को लेकर जो नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव पॉइंट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके आप अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।